दोस्तों एनवायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए तेलंगाना सरकार राज्य में हजार इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने जा रही है तेलंगाना स्टेट रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि एक नोडल ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने के लिए उनकी तरफ से ये कहा गया कि स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट वेंडर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए लाइसेंस प्रोवाइड करेगी और सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत इन चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करने के लिए सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ भी काम करेगी जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसके पास ज़मीन है वो तेलंगाना स्टेट रिनल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ कांटेक्ट कर सकता है और अगर वो अपने ईवी चार्जिंग स्टेशंस नहीं बनाना चाहता तो वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जमीन लीज पर दे सकता है जिसके बदले उसे मंथली रेंट प्रोवाइड किया जाएगा सरकार द्वारा इन चार्जिंग स्टेशन की सर्विस कॉस्ट कैप को ट्वेल्व पॉइंट जीरो सिक्स रुपीज़ पर किलोवाट आवर निर्धारित किया गया है तेलंगाना स्टेट रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के एम के अनुसार ईवीस की बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए सरकार की प्रायोरिटीज फ्यूचर की नीड्स को देखते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना है और तो और इनके द्वारा निकाली गई स्टेट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन पॉलिसी 2020 के अनुसार पहले दो लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स और पाँच हजार फोर व्हीलर्स को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पर हंड्रेड परसेंट की छूट मिलेगी और अभी स्टेट में बत्तीस हजार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और वन फिफ्टी चार्जिंग स्टेशन मौजूद हैं दोस्तों भारत में बढ़ते ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं